हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हम बशीर सुबेद तने भाई का वीडियो लेकर आए गए हैं कल की, मतलब जो मैच हुआ उसके ऊपर। तो बिना किसी देरी के देखते हैं गाइस, बाकी बातें करेंगे बाद में। कार्डो करते हैं रेडियो एड स्टार्ट। ये मैंने एडिट नहीं किया भाई, ये ऋषभ पंत ने ही डाल रखा है अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर। अरे क्या करूँ मार भी नहीं सकता। अब रोहित भाई हमारे ऐसे तो नाचते नहीं है। डांस वांस नहीं करने वाला, बिल्कुल नहीं करना, डांस है ही नहीं है और वो भी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। तो ऋषभ भाई ने उनको रील्स में ही नचवा दिया, क्योंकि पता नहीं कौन से इंस्टाग्राम पेज की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। सही ही बोला था रोहित भाई ने एक बार। ए ऋषभ क्या कर रहा है तू? वैसे पंत भाई अगर हमको एंटरटेन कर रहे हैं तो रोहित भाई कैसे पीछे रह जाए। एक बार फिर से उनका स्टंप माइक वायरल हुआ और उन्होंने ये बोला उसमें, आड़ा मारने दे आड़ा, अभी अभी तो आया है ये। और इसी अद्भुत रोहित भाई की टिप की बदौलत कुल्लू भाई को 3 विकेट्स भी मिल गए। भाई सबसे फनी चीज हुई है इस मैच में ये वाली, नहीं तंजीम हसन ने कोहली को बोल्ड करके जो एग्रेशन दिखाया वो नहीं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? इसके बाद जो हुआ वो बहुत फनी था। सबको पता था तंजीम हसन को गालियां पड़ने वाली ये सब हरकतें करने के बाद, पर पड़ी तंजीद हसन को जो कि बांग्लादेश का ओपनर है। विराट कोहली बैंस अटेंडेंस, अब तू गया बेटा, किंग कोहली तू आ बेटा सेकंड इनिंग्स में पिच पे। बाद में कुछ लोगों ने बताया कि भाई ये तंजीद हसन है, रॉन्ग नंबर है भैया। मुझे क्यों तोड़ा? सेक्सी लग रहा था। यहाँ तक कि राजस्थान रॉयल्स वालों ने भी ये पोस्ट कर दिया था, इफ यू कैन गिव इट यू गॉट टू टेक इट बैक एज वेल। इनको भी वही कंफ्यूजन हो गया था, बेचारे वो तंजीद हसन द बांग्लादेश ओपनर ने बिना कुछ किए इतनी गालियां खाली, वो भी सोच में पड़ गया किस चूते के नाम पे मेरा नाम सिमिलर रख दिया यार। राजस्थान रॉयल्स वालों को भी लोगों ने बोला फिर, RR एडमिन बी लाइक, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? मजे ही आ गए भैया। वो जुड़वा मूवी में था ना, ये वाला सलमान खान हरकतें करता है और जूते ये वाला सलमान खान खाता है। तंजीद हसन ब्रो, अपने इंस्टाग्राम बायो में ये चीज डाल दो, जिस आदमी को तुम लोग ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं ये है, और उसका प्रोफाइल की लिंक डाल दो, वरना खामखा आपको डिलीट करना पड़ जाएगा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, यार तंजीद तो पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहा है। आ रहा है ना मजा, आ रहा है ना? तो फटाफट सब्सक्राइब दबा दो, बेल आइकन प्रेस कर दो बटन में घुस के, जैसे चीकू भैया घुस गए थे बॉल ढूंढने के लिए। मैं चला जाऊंगा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। पूरी गली क्रिकेट वाली फील दे दी चीकू भैया ने। वो तो अच्छा हुआ अंदर घुसे तो एक ही क्रिकेट बॉल मिली, 2-3 नहीं मिल गई, जैसे हमको गली क्रिकेट में मिल जाती थी ना, एक बॉल ढूंढने जाते थे और 2-3, वही सबसे ज्यादा गुड लक होता था हमारे लिए। सुनने में आया तंजीम हसन वही बॉलर को कुछ इसी के तरीके से ढूंढ रहे हैं चीकू भैया मैच के बाद से। वैसे इतनी कंफ्यूजन के बाद असली तेजा तंजीम हसन को भी ढूंढ ही लिया लोगों ने। जहां भाई के पहले 50-60 कमेंट्स आते थे, अब 21,000 कमेंट्स आने लग गए। I hope you enjoy it. पर यार एक बात तो माननी पड़ेगी, बांग्लादेशी फैंस भी अपनी नेशनल एंथम को लेके काफी सीरियस रहते हैं भाई। एकदम ऐसे दिल पर हाथ रख के गहरी सांस आंखें बंद करके करते हैं, और जैसे ही कैमरा उनकी साइड आता है नेशनल एंथम करते करते हाथ हिलाने लगते हैं कैमरे की साइड देख के। बीच में घंटा जोरी से कैमरा रोहित और कोहली भाई का फॉर्म देख के कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि इनको थोड़ा संभल के खेलना चाहिए, एक बार फॉर्म में आ जाए फिर मारना चाहिए। और इसका आंसर कमेंटेटर्स को रोहित भाई ने पहली ही बॉल में दे दिया कि अजी मेरा एल खेले संभल के, पहली ही बॉल हवा में मारना शुरू। ये देख के विराट कोहली ने भी पूछा कि भाई साहब पिच कैसी है, टर्न वन कर रही है क्या? बेंच ऑफ मस्ट शॉट मारा यार, क्या लग रहा है पिच में मूवमेंट है? अबे भूल गया यार मैं, अबे अभी 2 सेकंड पहले ही तो तूने बॉल खेली है, भूल कैसे गया? मैंने कहा खेली पहली बॉल तो तूने खेली है यार, तेरे साथ ओपनिंग करके रोहित मैं पागल हो जाऊंगा, जयसवाल से करवा ले यार तू ओपनिंग। रोहित भाई ने एकदम मस्त इनिंग्स खेली, 6 भी मारा उसी ओवर में, 4 भी मारा और फिर 10 रन बनाने के बाद अपना विकेट दे दिया। एक सेकंड, ये चीज तो कहीं सुनेला लगता है ब्रो। खड़ा हूँ आज भी वहीं, लगता है रोहित भाई न खुद मूव ऑन करेंगे न हमें करने देंगे। ऐसे तो सारी चीजें भूल जाते हैं, पर वर्ल्ड कप और 19 नवंबर खुद भी नहीं भूलेंगे, हमें भी नहीं भूलने देंगे। इस मैच में भले मैन ऑफ द मैच हार्दिक भाई ले गए हो,
पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो सूर्या भाई को ही मिलेगा। भाई पहली बॉल पर सिक्स मारने के बाद दूसरी बॉल पर बैट का एज निकला था, भाई एक्टिंग ही करने लगे। बैट का एज मेरे बैट से, मैं तो बैट लाने भूल गया, आज बैटिंग करने आया था तो घर से। अनफॉर्चुनेटली ये एक्टिंग काम नहीं आई और एम्पायर ने आउट दे दिया। वैसे भाइयों कल हमारे सारे प्रिडिक्शन सही गए थे, विराट कोहली रन्स मारेंगे, दुबे जी रन्स मारेंगे, बुमराह विकेट लेगा, कुलदीप विकेट लेगा और इंडिया का टोटल स्कोर भी। इसलिए बोलता हूँ स्टेक पर रजिस्टर करके रख लो, क्योंकि यहाँ जितने इंटरेस्टिंग प्रिडिक्शन है भाई और कहीं नहीं मिलेंगे तुमको। जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने प्रिडिक्ट किया था कि हार्दिक भाई सबसे ज्यादा स्कोर करेंगे, उसने 2K से 6K कर लिया प्रॉफिट। ओरिजिनल स्टेक लिंक पिन कमेंट में जाके रजिस्टर करो, डिपॉजिट करो और वर्ल्ड कप के मजे लो ब्रो। प्रमोशन ऑफ वेबसाइट इन आवर वीडियोस इज स्पेसिफिकली टारगेटेड टुवर्ड्स कंट्रीज वेयर इट इज लीगल, विजिटर मस्ट बी 18 प्लस ऑफ एज टू प्रोसीड। नवीन उला करे तंजीम भाई गलत आदमी को उंगली कर दी है, अब उससे ज्यादा उसके फैंस पेलेंगे, पेलेंगे नहीं पेल दिए। तंजीम भाई को लगा कि आज तो कोहली का विकेट लेके आया हूँ, खूब सारे कमेंट्स होंगे, जाके कमेंट्स देखे तो खूब सारे तो थे पर इंडियन फैंस के थे। नाइस एग्रेशन बेटा, नाउ डिलीट यूर सेल्फ एंड यूर इंस्टाग्राम एज सून एज पॉसिबल, ब्रो इज ऑन अ मिशन, ना खुद मूव ऑन करूंगा ना किसी को करने दूंगा। रोहित भाई हर चीज भूल जाते हो, 19 नवंबर भूल जाओ यार और हमको भी भूलने दो, सेम तरीके से विकेट दे दिया। दुबे को फॉर्म में लाना वरना CSK भूल जा, दुबे जी ने जैक लगवा दिया, पहुंच बड़ी ऊपर तक है फॉर्म में आने के लिए। यू डोंट हैव टू ट्राई टू गेट हिम आउट, जस्ट बॉल 2 सिली बॉल्स एंड गिव 10 रन्स, तो फिजर्स को बोला ही विल डू। रोहित भाई ब्रो नन्ना री ना रे नन्ना री ना, तुम इतने जल्दी आउट मत हुआ करो, फिर मेरा भी मन नहीं लगता बैटिंग पे। भाईचारा ऑन टॉप, डियर तंजीम हसन यू मेस्ड अप विद द रॉन्ग मैन, Williams crying in the corner. When you realize Indian team is unbeaten in the tournament, ये तो खुशी से ज्यादा डर की बात है भाई चान। बेटा एक टाइम था जब हम भी खूब गालियां खाया करते थे, रातों रात एक बार फिर से सुपरस्टार बन गए हार्दिक भाई, वर्ल्ड कप आएंगे जाएंगे पर ये कांस्टेंट रहेगा। इनके शेर जितना रोया है ना भाई, जन्मों जन्मों तक कहीं पे भी शेर इतना नहीं रोया होगा। पूरी टीम खेलेगी इंटेंट में रोहित भाई की कप्तानी में, यही इंटेंट तो चाहिए मांगता है अपने को T20 में। सुना है इंडिया एक बार फिर से अनबीटन आ रही है, इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी गाली सोच रखी थी पर भाई ने अभी सुबह सुबह हगने के टाइम पे हैट्रिक ले लिया यार, एक और मतलब इसने बांग्लादेश के टाइम पे भी हैट्रिक लिया, अफगानिस्तान के टाइम पे भी बैक टू बैक हैट्रिक्स, क्या ही बोलो इस आदमी को। ब्रो दिस इज एन एडल्ट वेबसाइट, इंटर इफ यू आर अबव 18-16 ईयर ओल्ड किड्स। की बात हो रही है शायद केसरिक विलियम्स, हम भी पहले गए थे तुम भी पहले जाओगे। रोहित शर्मा आफ्टर गेटिंग आउट ऑन लेफ्ट आर्म पेसर एंड स्पिनर बोथ, हमसे ये भेदभाव नहीं होता, रोहित भाई इज अ हम्बल गाय, स्पिनर को भी विकेट दे देते हैं पेसर को भी, लेफ्ट आर्म होना चाहिए बस। कुलदीप यादव बांग्लादेश बैट्समैन, कुलदीप भाई ने स्पिन डिपार्टमेंट संभाल रखा है, फास्ट डिपार्टमेंट बूम बूम भाई ने संभाल रखा है, मामला सेट है। देम दिस मैच यू परफॉर्म व्हाट हैपनिंग, कुलदीप व्हाट डू यू मीन, दिल्ली कैपिटल वाले भी भाई मीम के मजे लेते हैं। इनफ इज इनफ, आई एम लिविंग दिस शिट। एक शेर आरसीबी वाला परेशान है, एक शेर बांग्लादेश वाला। जॉनसन वर्सेस कोहली, विलियम्स वर्सेस कोहली एंड तंजीम लोडिंग, खत्म हो गया भैया विलियम्स के साथ खत्म है। खैर यार आज की वीडियो में इतना ही, बाकी सब भाई मजा ले लो, सबसे बुरी करते रहो, उस भाई को मत पूछना यार। इसी के साथ भैया वो कोई यार ये विलियम्स वो तो नहीं था वो जो इस तरह करता था, ये वो वाला तो नहीं था, फिर विराट कोहली ने बैट पे यूं यूं कर दिया था, ये वो वाला तो नहीं था, मुझे अब याद है। और अभी तंजीम वो अगली बार, ये वेस्ट इंडीज का है, अगली बार ही लगता है तंजीम से पंगा। अच्छा तंजीम की जगह किसी और को पहल दिया इंडियन, वो भी कहता है इंडियन भी कहते हो कि चल है रहे, राजस्थान रॉयल्स इन पेजो ने भी पहल दिया था, फिर बाद में लोगों को कुछ बुद्धि आई फिर उसके ऊपर चौथा आ रहा है। वो जो दूसरा जिसको बेवजह पहला है ना, उसने अपना नाम चेंज करवा दिया, उसने तस्लील लिखवा दी है, तस्लील मतलब बेस्ट ही भाई, लेकिन यार सही पेल गए हैं। मजा आया गाइस, आपका कौन सा फेवरेट मूवी था बताना अपने, बहुत ज्यादा ख्याल रखना था।